नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पप्पू यादव ने महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा रुपये के साथ गिरती जा रही है देश की साख। पटना के राजीव नगर इलाके में प्रशासन ने लगाया बोर्ड, लिखा भू माफिया और दलालों से रहे सावधान। सीएम नीतीश कुमार ने की जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा, सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा लगाने का दिया निर्देश। बिहार में चयनित हाई स्कूल के शिक्षकों को इस दिन बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र, जाने कब होगी काउंसलिंग। बेहटा में अवैध बालू खनन करने के दौरान अराध धसा, दर्जन भर मजदूर दबे, एक मजदूर की मौत। बिहार में फिर डराने लगा कोरोना, पटना में मिले 129 नए संक्रमित, राज्य में पाए गए 345 मरीज। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव महंगाई और जीएसटी को लेकर एक बार फिर से सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि देश में जीएसटी और उससे उपजी महंगाई ही सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, बल्कि डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये के साथ साथ देश विदेश में गिरती हमारी साख भी एक अहम मुद्दा है। हमारा देश अगर नाइजीरिया से भी गरीब होता जा रहा है तो सत्ता में बैठे लोगों को इसका जवाब ढूंढना चाहिए। जाप प्रमुख पप्पू यादव पटना के गर्दनी बाग में एक दिवसीय महाधरना में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। पप्पू यादव ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश की हालत ये है कि यहाँ निर्यात 18% है जबकि आयात 80% को पार कर चुका है। ऐसे हालात में देश कैसे चल पाएगा, हम हिंदुस्तानी 93% कर्ज से लद चुके हैं। पटना में राजीव नगर के नेपाली नगर में बिहार राज्य आवास बोर्ड ने 48 साल बाद पहली बार अपनी जमीन पर अवैध कब्जे से लोगों को सावधान रहने की अपील करते हुए राजीव नगर इलाके में जगह जगह पर लोहे का बोर्ड लगा दिया है। लगाए गए बोर्डों में लोगों को भूमाफिया और दलालों से सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। बता दें कि हाल ही में आवास बोर्ड की शिकायत पर राजीव नगर थाने में कई गृह निर्माण समितियों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद जाँच की गयी तो पता चला कि इनमें से 4 गृह निर्माण समितियां ऐसी है जो कि कागजी तौर पर सक्रिय नहीं है और न ही इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर का चुनाव हुआ है। इन समितियों की स्थापना 1970 के दशक में की गई थी, परंतु अभी तक इन समितियों की कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा से संबंधित उपकरण लगाने और रखरखाव का प्रबंध सुनिश्चित करें। उन्होंने गंगाजल आपूर्ति योजना और फाल्गु नदी में रबर डैम के निर्माण जल्द पूरा करने सहित सरकारी भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी भवनों पर तड़ित चालक लगाने के लिए संबंध विभाग आपस में विमर्श कर कार्य योजना बनाए। मुख्यमंत्री ने यह बातें शनिवार को जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कही। इस बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में किया गया था। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करें, यही अक्षय ऊर्जा है, प्राकृतिक प्रदत्त और सदैव रहेगा। मुख्यमंत्री आवास में भी सौर ऊर्जा को लेकर काम कराया गया है, इससे पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा और पैसों की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा जलापूर्ति योजना का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करें, इस काम में तेजी लाएं ताकि नवादा, राजगीर, गया और बोधगया में जलापूर्ति का काम जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए चयनित किए जाने वाले शिक्षकों को 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इस संदर्भ में अधिकतर नियोजन इकाइयों ने शुक्रवार को अंतिम मेघा सूची जारी कर दी है। छठे चरण का यह नियोजन 32,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए किया गया है, अधिसूचना माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया है। नगर निगम नियोजन इकाइयों में 25 जुलाई को काउंसलिंग होगी। नगर पार्षद और नगर पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए जिला मुख्यालय पर 26 जुलाई को काउंसलिंग होगी। 27 जुलाई को जिला पार्षद नियोजन इकाई काउंसलिंग करेगी। काउंसलिंग 10 बजे सुबह से 3 बजे अपराह्न तक होगी। उपस्थित अभ्यर्थियों की विषयवार मेघा सूची के क्रमानुसार अनुमोदित आरक्षण रोस्टर बिंदु के परिप्रेक्ष्य में अंतिम रूप से चयन सूची का निर्माण किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की सहमति पाकर उनका एसटीईटी प्रमाण पत्र नियोजन इकाई रख लेगी। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का दावा समाप्त माना जाएगा। काउंसलिंग से लेकर नियुक्ति पत्र बांटने तक की समूची कवायद की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। काउंसलिंग स्थल पर अभ्यर्थियों की उपस्थिति पंजी भी तैयार की जाएगी।
बिहार की राजधानी पटना और भोजपुर सीमा के पास बिहटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहटा थाना क्षेत्र के सुरौंधा बालू घाट पर अवैध बालू खनन करने के दौरान अरार धंसने से आधा दर्जन मजदूर दब गए, जिसमें एक मजदूर की मौत मौके पर हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने दबे सभी मजदूरों को बाहर निकाल कर इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया। मृतक मजदूर की पहचान मनेर थाना क्षेत्र के धजवा टोला गांव निवासी स्वर्गीय शिवपूजन राय का पुत्र राजकुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पहुंचने के लिए एकमात्र उपाय नाव ही है। बिहटा मनेर छपरा समेत अन्य जगहों के कुछ मजदूर नाव लेकर अवैध बालू खनन करने गए थे। इसी दौरान सुरौंधा के समीप बालू लदाई के क्रम में अरार धस गया, उसमें कई मजदूर दब गए। मौजूद मजदूरों की मदद से उनमें से छह को निकाला गया, लेकिन एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जेसीबी पोकलेन मशीन से बालू की खुदाई के कारण बड़ा अरार बन जाता है। नाविक अरार के बीच से ही नाव सटाकर बालू लादते हैं ताकि जल्द बालू लादकर भागा जा सके। दूसरा खेत बालू एवं दबंगों की रंगदारी नहीं देना पड़ता है। इस मामले में स्थानीय पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। बिहार में आज कोरोना के 345 नए संक्रमित पाए गए। इनमें पटना जिले में सर्वाधिक 129 नए संक्रमित शामिल हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या राज्य में 2253 और पटना में 1058 है। राहत की बात है कि इनमें से अधिकतर घर पर ही इलाज करा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 109,576 सैंपलों की जांच की गई। पटना के अलावा नालंदा व सुपौल में 18-18, सहरसा में 15, जहानाबाद में 12, खगड़िया पूर्णिया रोहतास व भागलपुर में 11-11, अररिया मुजफ्फरपुर सारण और दरभंगा में 9-9, गया में 8, कैमूर में 7, मधुबनी मुंगेर व किशनगंज में 6-6, बेगूसराय व वैशाली में 5-5, बांका व भोजपुर में 4-4, नवादा में 3, समस्तीपुर औरंगाबाद गोपालगंज जमुई व सिवान में 2-2 और मधेपुरा सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में 1 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं अन्य राज्यों के 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं। गया जिले के विभिन्न जांच केंद्रों पर रैपिड एंटीजन किट व आरटीपीसीआर से शुक्रवार को 7,254 लोगों की जांच की गई। स्वास्थ्य डीपीएम नीलेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को की गई जांच में 4 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं पहले से मिले संक्रमितों में 22 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव मिली है। बिहार सर्किल के राज्य में 8,068 शाखा डाकघर हैं, लेकिन 2,000 से अधिक शाखा डाकघर खुलते ही नहीं हैं, जबकि कर्मचारी पूरे माह का वेतन उठा रहे हैं। यह हाल तब है जब लॉगिन के माध्यम से डाकघरों का कामकाज होता है। यह खुलासा डाक विभाग को पिछले दिनों मिली शिकायत की हुई जांच में हुआ है। मामला सामने आने के बाद डाक विभाग के वरीय अधिकारी सकते में है। 13 जुलाई को आई शाखा डाकघर नोट लॉगिन रिपोर्ट के मुताबिक 12 जुलाई को राज्य में कुल शाखा डाकघर की संख्या 8,068 है, लेकिन 2,068 डाकघर के कर्मचारियों ने लॉगिन ही नहीं किया है। इस तरह देखा जाए तो लगभग 26% शाखा डाकघर खुले ही नहीं है। जानकारी के अनुसार एक शाखा डाकघर में 2 कर्मचारी होते हैं, एक शाखा डाकपाल और सहायक डाकपाल तैनात होते हैं। ऐसे में 4,000 कर्मी बिना काम के वेतन उठा रहे हैं। शिक्षा विभाग राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई की रोज मॉनिटरिंग करेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को कहा कि विश्वविद्यालयों का यह बहाना नहीं चलेगा कि शिक्षकों की कमी है। विश्वविद्यालयों के मौजूदा शिक्षक जब पूरी क्षमता से कक्षाओं में पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो नई नियुक्तियां हो भी जाएंगी तो उसका क्या लाभ होगा। मौजूदा शिक्षकों के अध्यापन कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने यह बात शिक्षा विभाग के निर्देशन में प्रत्येक विश्वविद्यालयों में शुरू होने वाली कार्यशालाओं की कड़ी में पुत्र विश्वविद्यालय से संबंधित पहली कार्यशाला में गुरुवार को कही। उन्होंने साफ किया है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों की स्थायी तौर पर कमी को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है। उन्होंने कुलपतियों से आग्रह किया है कि विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों के लिए एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल बने जहां रोजाना किसने कितनी कक्षाएं ली है, क्या पढ़ाया गया, कितने बच्चे आए, इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को रोजाना साझा की जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाल में विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार विश्वविद्यालयों को दिए हैं। जिस विषय के शिक्षक कम है उनकी नियुक्तियां करें, इसमें दिक्कत क्या है। शिक्षकों की कमी की बात बेमानी है। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार ने बताया कि बुडको का जो रोड रिस्टोरेशन का काम है उसमें अनियमितता मिली है। सैंपल की जांच लैब में हो रही है। एमडी ने कार्यपालक अभियंता को स्पष्टीकरण किया है। लैब की जांच में अगर पाया गया कि खराब गुणवत्ता है तो राशि का भुगतान एजेंसी को नहीं होगा। एमडी ने कहा कि यह हमने कार्यपालक अभियंता को बता दिया है। डीएम गुरुवार को ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने शहर में निकले थे। उन्होंने कहा कि अगर गुणवत्ता के अनुरूप कार्य नहीं पाया तो एक भी पैसे का भुगतान
रोड रेस्टोरेशन को लेकर बुडको नहीं करेगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार आया है। लालू यादव को आज दोपहर बाद दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई है। लालू प्रसाद की सेहत को लेकर चिंतित उनके समर्थकों और शुभचिंतकों के लिए यह एक सुकून देने वाली खबर है। एम्स से छुट्टी मिलने के बाद लालू प्रसाद दिल्ली स्थित अपनी बेटी मीसा भारती के घर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन लालू प्रसाद यहीं रहेंगे। अगले माह तक लालू प्रसाद के पटना लौटने की बात कही जा रही है। हालांकि इसको लेकर पार्टी या परिवार की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। उम्मीद की जा रही है कि लालू के अस्पताल से बाहर आने के बाद परिवार की ओर से जानकारी दी जाएगी। लालू प्रसाद यादव पिछले दिनों पटना के आवास में सीढ़ियों से गिर गए थे। इस दौरान उनके कमर और कंधे में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बावजूद उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव जारी थी, जिसके बाद लालू को दिल्ली ले जाया गया। लेकिन अब उनकी तबीयत में काफी सुधार है, जिसके बाद उन्हें आज एम्स से छुट्टी मिल गई है।